Assalamualaikum alaikum viewers. Welcome you in Wonders of Learning with Ash. Do like and subscribe. Viewers, today's our topic is improper fraction. So let's see what is an improper fraction. An improper fraction is a fraction where the numerator is greater than or equal to the denominator. Improper fraction is fraction denominator. Numerator se होता है जैसे कि आप देख रहे हैं सिक्स बाई थ्री और या फिर हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेम नंबर होता है ऐसे फ्रैक्शन भी इम प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं जैसे फाइव बाई फाइव इम प्रॉपर फ्रैक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हियर वी हैव अमिनेटर फाइव एंड डिनोमिनेटर टू जैसे व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये पिंक सर्कल पिंक सर्कल में सर्कल के दो पार्ट्स हैं और दोनों ही शेडेड हैं इट्स मीन ये टू बाय टू यानी कि वन होल पूरा एक कंप्लीट सर्कल शेडेड है तो टू बाय टू वन कंप्लीट होल सर्कल है जो शेडेड है तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा और इस ग्रीन सर्कल को देखिए एक होल सर्कल है जिसे हमने फोर टाइम्स डिवाइड किया है लेकिन फोर पार्ट्स ही शेडेड हैं तो इसका फ्रैक्शन होगा फ़ोर बाई फोर और ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाएगा अब आप सोचेंगे कि ये तो पूरा वन होल है फिर इसे फ्रैक्शन क्यों कहा जा रहा है क्योंकि हमने इसे डिवाइड किया हुआ है और फिर पूरा ही शेड कर दिया है इसलिए इसे फ्रैक्शन ही कहा जाएगा मगर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा अब इन ब्लू सर्कल्स को देखिए जिसमें एक सर्कल जो होल सर्कल है उसे फोर टाइम डिवाइड किया है दूसरे सर्कल को भी फ़ोर टाइम डिवाइड किया है मगर इस पहले सर्कल के अंदर सारे ही पार्ट्स शेडेड हैं तो ये एक वन होल है और इसके साथ जो सर्कल है उसमें थ्री फोर्थ है और अगर इन दोनों को मिला दें तो हमारा डिनोमिनेटर हमेशा वही लिखा जाता है जो एक सर्कल के टोटल पार्ट्स होते हैं तो एक सर्कल को हमने फोर टाइम्स डिवाइड किया है तो इसका डिनोमिनेटर हम फोर ही रखेंगे और टोटल पार्ट्स जितने शेडेड हैं उन्हें हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं इस तरह इसके कितने पार्ट्स टोटल शेडिड हैं इसके सेवन पार्ट्स टोटल शेडिड हैं मगर एक सर्कल को यानी कि वन होल को हमने कितनी बार डिवाइड किया था और कितने हिस्से किए थे फोर हिस्से किए थे तो फोर पार्ट्स जो हमने किए थे उसको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखते हैं इस तरह से इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाता है और ये एक इमप्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है चलिए इसको मज़ीद समझते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से प्रॉपर फ्रैक्शन वन फोर्थ हम प्रॉपर फ्रैक्शन और इम प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफरेंस भी बता देते हैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन आप यहाँ देख रहे हैं एक होल को फोर टाइम्स डिवाइड किया है जिसमें से वन पार्ट शेडेड है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम हमें कैसे लिखते हैं इसे हम वन फोर्थ लिखते हैं कि वन पार्ट शेडेड है ये हमारा न्यूमिनेटर है जो सेलेक्टेड है और वन होल के हमने कितने पार्ट्स किए हैं फोर पार्ट्स किए हैं इसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है अब इन प्रॉपर फ्रैक्शन को देख लेते हैं यहाँ पर हम इसे कहेंगे फाइव फोर्थ्स फाइव फोर्थ्स इसे फोर्थ नहीं कहेंगे बल्कि फोर्थ्स कहेंगे क्यों कहेंगे कंप्लीट होल को अगर हम फोर हिस्सों में बांटते हैं तो उसके हम फाइव शेडेड तो कर ही नहीं सकते इसीलिए यहाँ पर हम एक दूसरा होल भी ले लेते हैं जिसके मजीद फोर पार्ट्स कर देते हैं इस तरह हम एक होल को फुल शेडिड कर देंगे यानी उसके फोर पार्ट्स शेडिड होंगे और नेक्स्ट होल का फोर में से वन पार्ट शेडिड होगा इस तरह से ये फाइव बाई फोर्थ हो जाएगा मगर यहाँ एक फोर्थ नहीं है यहाँ फोर्थ है यानी कि यहाँ ऊपर भी फोर्थ है, नीचे भी फोर्थ है, तो इस तरह ये दो फोर्थ मौजूद हैं होल्स के इसलिए हम इस पढ़ेंगे फाइव फोर्थ्स यस व्यूअर्स मोर एग्जाम्पल्स लुक एट द स्वेयर्स व्यूअर्स देखिए यहाँ हमारे पास दो स्क्स हैं एक स्क्वेयर को हमने थ्री टाइम्स डिवाइड किया है और उसे पूरा ही शेड कर दिया यानी थ्री बाई थ्री ओके और दूसरा स्क्वेयर इसे हमने थ्री टाइम्स ही डिवाइड किया लेकिन इसके टू पार्ट शेडेड हैं तो टोटल कितने पार्ट शेडेड हो गए दोनों के फाइव पार्ट शेड हो गए लेकिन इसका डिनोमिनेटर हम थ्री रखेंगे डिनोमिनेटर हमारा वन होल के जितने भी हमने पार्ट्स किए थे हम वो ही लिखते हैं अब इस एग्ज़ाम्पल को देखिए यहाँ एक स्क्वेयर को फाइव टाइम्स डिवाइड किया है और इसके फाइव पार्ट्स ही कलर्ड हैं जबकि इसके साथ जो स्क्वेयर है उसके थ्री पार्ट्स शेडेड हैं तो टोटल मिलाकर कितने पार्ट्स हो गए शेड एट पार्ट्स लेकिन हमारा डिनोमिनेटर फाइव ही होगा तो इस तरह ये एट फिफ्थ कहलाएगा एट फिफ्थ या एट बाई फाइव बेलो आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम प्रॉपर फ्रैक्शन नाइन बाई फोर या नाइन फोर्थ्स फाइव बाई फाइव मीनस वन होल सेवन थर्ड्स ये भी एग्जाम्पल्स हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इम प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़े नंबर भी हो सकते हैं हंड्रेड्स भी हो सकते हैं थाउजेंड्स भी हो सकते हैं और बहुत मिलियंस भी हो सकते हैं लेकिन याद रहे कि इम प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या पहचान है कि इसका न्यूमिरीटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है यानी कि न्यूमिरीटर एक ग्रेटर नंबर होता है और डिनोमिनेटर एक स्मॉलर नंबर होता है उम्मीद है दोस्तों आपको इम प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ जुड़ी रहिए चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज